जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपाली दुर्गा शिवा क्षमा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। शारदीया महापूजा या दुर्गोत्सव भारतवर्ष के सभी प्रांत में प्रसिद्ध है। भारत के अन्य स्थानों में नवरात्र उत्सव मनाया जाता है, परंतु बांग्ला, बिहार और असम प्रदेश में इसको विशेष रूप में प्रतिमा पूजा के माध्यम से मनाया जाता है। ये प्रतिमा पूजा पहले से ही चालू था, जब बांग्ला में रघुनंदन अपने दुर्गोत्सव तत्व या दुर्गा पूजा तत्व विषय में किताब प्रणयन किया और बिहार में विद्यापति दुर्गा भक्ति तरंगिनी वाचस्पति मिश्र कृत्य चिंतामणि बनाया। आसाम का कामरूपी निबंध में दुर्गोत्सव प्रकरण तथा प्रचलित था और इसके बाद भी कई निबंध मिलता है जो बालक शिल्पाणी श्रीकर दत्त श्रीनाथ भट्टाचार्य इत्यादि ये लोगों के निबंध में लोग दुर्गोत्सव का किस प्रकार से करना चाहिए उसका विधि विधान सब दिया गया। इसी के आधार पर आज तक बांग्ला बिहार असम सभी प्रदेश में दुर्गोत्सव प्रचलित है और धीरे धीरे अन्यान्य प्रदेश में भी प्रतिमा मूर्ति में जो दुर्गोत्सव ये भी शुरू हो गया चल रहा है। विदेश में भी दुर्गा प्रतिमा प्रचलित है। शारदीय दुर्गा पूजा का महत्व है ये चतुकर्मोपी पूजा, जिसको कहते हैं महापूजा, इस कारण से क्योंकि हिंदू कृत्य तत्व के तिथि तत्व में रघुनंदन ने लिखा शारदीया महापूजा चतुकर्ममयी सुहा ताम तिथि त्रयम आसाद्य कुर्यात् भक्त्या विधानत। इस पुराण वाक्य के अनुसार शारदीया महापूजा में स्नपन पूजन बलिदान और होम ये चार अंगिक पूजा एकत्र अनुष्ठित होता है, इसीलिए इसको महापूजा कहा गया। इस पूजा वसंती वसंत काल में भी दुर्गा के मूर्ति में पूजा होती है, परंतु शारदीय महापूजा का महत्व आया श्री रामचंद्र रावण वध करने के लिए या शक्ति की उपासना किया वो इस शरद काल में किया गया था। यदि जो उस समय देवता लोगों का निद्रा के समय इसीलिए पूजा होती नहीं, परंतु ब्रह्मा जी के विधान से उस समय देवी को बिल्व मूल में जागृत करके बोधन कर्म के अनुष्ठान माध्यम से उनका जागरण करा के वो पूजा किया था। उस पूजा आज तक प्रचलित है, उसमें बोधन प्रवृत्ति का अंग है। यदि जो उस साधारण व्यक्ति का परिचय नहीं है, इसलिए हम लोग वही पूजा में जो जो अनुष्ठान किया जाता है उसके बारे में कुछ प्रसंग ले आते। पहला दिन हम लोग षष्ठी तिथि में कल्प आरंभ करते हैं। कल्प शब्द का शब्दकोशगत अर्थ है पूजा विधि, अतः पूजा विधि का आरंभ कल्प आरंभ। दुर्गा पूजा में सात कल्प होता है। सात कल्प में इस पूजा होती है कृष्णा नवमी शुक्ला प्रतिपदादि षष्ठ्यादि सप्तम्यादि अष्टम्यादि केवल महाष्टमी और केवल महानवमी। इसमें ज्यादातर पूजा षष्ठ्यादि कल्प आरंभ में हो रहा है। इस समय देवी को आवाहन करके सप्तशती पाठ आदि शुरू हो जाती है। बोधन शब्द का अर्थ होता है जागरण,
षष्ठी संध्या काल में विबोधन कर्म किया जाता है। शारदीय दुर्गा पूजा में बोधन करने का नियम है, क्योंकि श्रावण से पौष मास तक सूर्य का दक्षिणायन काल रहता है तथा देवताओं का रात्रि काल होता है। इस काल में देवताओं की पूजा करने पर जागरण की आवश्यकता होती है। श्री रामचंद्र इस समय रावण वध के लिए ब्रह्मा के विधान से अकाल बोधन करके देवी का जागरण किया था। यही पूजा पर्वती काल में शारदीय महापूजा के रूप में प्रचलित हुई। सच्चांग बिल्लतरो बोधम सायं संध्यास्तु कारयेत्। भविष्य पुराण के इस वचनानुसार जिस दिन संध्या काल में षष्ठी रहती है उस दिन बोधन करनी है। सप्तमी की पूर्व संध्या को षष्ठी तिथि न रहने पर उसके भी पूर्व संध्या में रहने पर उस दिन बोधन करना होगा, ऐसा विधान दिया गया। इसी के आधार पर बोधन कार्य कभी कभी हम लोगों का देखा जाए पंचमी तिथि के संध्या काल में हो जाता और षष्ठी के पल्पारंभ दूसरे दिन होता है। इसलिए कोई व्यक्ति का जो शंका होती है कारण ये है, संध्या काल षष्ठी रहने से उस दिन बोधन किया जाए और प्रातः काल षष्ठी रहने से उस दिन कल्पारंभ किया जाए, यही विधान दिया गया। आमंत्रण और अधिवास एक कर्म है। मूल पूजा के पूर्व संध्या में ये आमंत्रण और अधिवास बोधन के बाद करने का विधान दिया गया। बोधन में देवी के जागृत होने पर इसके बाद उन्हें पूजा ग्रहण करने के लिए आमंत्रण देना होगा। घर में अतिथि के आने पर जैसे उनकी अभ्यर्थना करके भोजन आदि ग्रहण करने के लिए आमंत्रण देना होता है, ऐसे ही बिल्ल वृक्ष के निकट उनकी पूजा करके आमंत्रण दिया जाता है। ऐसा मंत्र भी है, ओम मेरु मंगार कैलास हिमवत् शिखरे गिरौ जात श्री फल वृक्ष अंबिकायाः सदा प्रियम श्री शैल शिखरे जात श्री फल श्री निकेतन नेदोभ्योसि मया गच्छ पूज्यो दुर्गा स्वरूपतः। अधिवास कर्म इसके बाद करा जाता है। अधिवास शब्द का शब्दकोशगत अर्थ है मंगल द्रव्यादि द्वारा संस्कारित या शुद्धि। विवाह आदि सामाजिक शुभ कर्मों के अनुष्ठान के पूर्व ये संस्कार या शुद्धि का कार्य किया जाता है। देवी का अधिवास कार्य बिल्ल वृक्ष में, नवपत्रिका में और प्रतिमा में तीन स्थानों में किया जाता है। पहले के युग में यज्ञ आदि क्रियाओं में तथा वर्तमान में पूजा के समय भी मौजूद द्रव्यादि को प्रोक्ष आदि क्रिया द्वारा तथा मंत्र की सहायता से संस्कारित करके पूजा हेतु उपयोगी बनाया जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी मृत्तिकादिगत दोष को शुद्ध करने के लिए यही अधिवास क्रिया अनुष्ठित किया जाता है। इस कार्य के लिए एक बर्तन में मिट्टी चंदन इत्यादि 22 या 25 द्रव्यादि को सजाया जाता है। यह पात्र प्रशस्ति पात्र के नाम से प्रसिद्ध है। प्रत्येक सामान मंत्र पढ़कर बिल्व वृक्ष और नवपत्रिका से स्पर्श कराया जाता है, जैसे गंध द्वारा अनेन गंधेन अस्य भगवत दुर्गाया नवपत्रिकायाश्च सुभादि वासनमस्तु। बाद में प्रतिमा में उस द्रव्य द्वारा अनेन गंधेन अस्य मृन्मय्या सपरिवाराया श्री भगवत दुर्गाया सुभादि वासनमस्तु मंत्र से अधिवास किया जाता है। दुर्गा प्रतिमा के पार्श्वदेश में एक केले के वृक्ष को रखते हैं, उसको कपड़ा पहना के जैसा बोधू के माफिक बैठा देते, उसको कहते नवपत्रिका। कोई व्यक्ति अज्ञानवश इसको कहते हैं केले की पत्नी या गणेश की पत्नी का आकार कहा जाता है, परंतु ये गलत है। वस्तु तो ये पत्रिका वासिनी देवी है। नवपत्रिका अर्थात नौ पत्तों वाला
पेड़ या पेड़ की डाल, ये सब औषधियों और देवी के एक एक रूप के प्रतीक है, जैसे केला, ब्रह्माणी, अखी। केला ब्रह्माणी और गच्चू, कालिका, हल्दी, दुर्गा, जयंती, कार्तिकी, बिल्व, शिवा, अनार, रक्तदंतिका, अशोक, शोक रहिता, मान, चामुंडा, धान्य, महालक्ष्मी। मंत्र में भी कहा गया है, ओम कदली तरु संस्थासी विष्णुर पक्षस्थल स्थिते, नमस्ते पत्रिके देवी, नमस्ते सुरनायिके, ओम ह्रीं ब्रह्माधिष्ठात्री ब्रह्माण्यै नमः। इसी प्रकार नवपत्रिका वासिनी दुर्गा का ये दुर्गा के प्रतिरूप में ये नवपत्रिका पूजा होती है। अर्थात पूजा के समय देवी का आविर्भाव तीन स्थानों पर, खट में, प्रतिमा में और नवपत्रिका में होता है। महास्नान, स्नपन क्रिया, महाशब्द महत् अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। जो स्नान बृहत होता है उसे महास्नान कहते हैं। वस्तुतः देवी के महास्नान में द्रव्यादि का आयोजन और अनुष्ठान का विस्तार करके विस्तार इसके महत्व का स्मरण कराता है। राजद्वारा, चौराहा, नदी के दोनों तटों, यज्ञशाला आदि कितने स्थानों की मिट्टी की आवश्यकता होती है, फिर कितने नदियों का जल, कितने तीर्थों का जल, वर्षा का जल, शिशिर जल आदि अनेक प्रकार के जलों को जुटाया जाता है। सृष्टि की गोद की सभी वस्तुएं उन्हीं एक आदि शक्ति से ही आई हैं। उन सभी सामग्रियों को महास्नान में उन्हें ही समर्पित करना होता है। नित्य शुद्ध देवी के अन्य स्नान की क्या आवश्यकता है, ये तो तदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये, उन्हीं की वस्तु उन्हीं को समर्पित करना है। इस स्नान का महत्व समझने के लिए इन मंत्रों का अर्थ समझना आवश्यक है। विस्तार में न जाकर हम इस निबंध में विस्तार में न जाकर हम सभी अर्थों को संविष्ट न करके संक्षेप में कुछ उदाहरण दे रहे हैं। सातों समुद्र, सभी नदियां, पर्वत, स्वर्ग की जलधाराएं सभी देवी को स्नान कराने के लिए उपस्थित हैं। देवगण, मरुगण, लोकपाल, नाग, सभी पर्वत, आकाशस्थ सप्तर्षि, वसु, अष्टकलश में आठ प्रकार के जल द्वारा आठ प्रकार के रागों में बद्यादि के साथ स्नान करा रहा है। यह एक महान राजकीय कार्य है। अतः शारदिया यथार्थ में ही अश्वमेध यज्ञों के समान एक महापूजा है। प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा अनेक जड़ वस्तुओं को जोड़कर निर्मित की जाती है। उपादान जड़ होता है, इसलिए प्रतिमा भी जड़ होती है। उसे पूजा हेतु पूजगी बनाने के लिए, देवत्व प्रदान करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। किंतु यह प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए प्रतिष्ठाता का प्राण होना आवश्यक है। प्राण की बात कहने से श्रुति के केन उपनिषद का एक मंत्र याद आ जाता है, केन प्राण प्रथम प्रीति, प्रश्न के प्राण का प्राण परमात्मा की बात मन में आती है। अर्थात साधक उसी प्राण में परमात्मा में अधिष्ठित होंगे। देवो भूत्वा देवम यजेत, इसलिए साधक को आत्मशुद्धि, देह शुद्धि आदि विविध क्रियाओं द्वारा देवता होकर देवता की पूजा करनी होती है। प्राण प्रतिष्ठा भी उसी तरह है। साधक अपने हृदय में उसी देवत्व का अनुभव करते हुए अपनी चेतना में प्रतिमा को चेतन कर लेते हैं। प्राण प्रतिष्ठा मंत्र में कहा गया है, अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा क्षरन्तु च, अस्यै देवत्व संख्यायै स्वाहा। कुमारी पूजा एक अनुष्ठान है। साधक देवी को केवल प्रतिमा में नहीं जीवंत विग्रह में देखना चाहता है। जीव वास्तविक रूप में शिव है, उसे शिव दृष्टि से
जी भी सेवा या पूजा से सेवक या पूजक को आत्यंतिक शिवत्व की प्राप्ति होती है। कुमारी रूप में देवी की पूजा करके देवी की प्रसन्नता प्राप्त करना ही साधक को वांछनीय है। श्री राम कृष्ण देव कहते हैं, देखो ना कुमारी पूजा मल मूत्र युक्त बालिकाएं उन्हें ठीक साक्षात भगवती देखा। ये आगे भी इससे आगे भी कहते हैं, कुमारी पूजा क्यों की जाती है? सभी स्त्रियां भगवती की एक एक रूप है। शुद्धात्मा कुमारी में भगवती का अधिक प्रकाश है। कई लोग कहते हैं कि कुमारी पूजा वैदिक नहीं अपितु तांत्रिक है। वस्तुतः दोनों में ही कुमारी पूजा का विधान रहा है। वेद में दुर्गा गायत्री में कहा गया है, कात्यायन्यै विद्महे कन्या कुमार्यै धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। संधि पूजा एक अनुष्ठान। संधि शब्द का अर्थ होता है मिलन। व्याकरण शास्त्री कहते हैं, वर्णयोः मेलनं संधि, दो वर्णों के मिलन को संधि कहते हैं। लौकिक जगत में भी दो पक्षों के बीच संधि स्थापन अर्थात मिलन कराया जाता है। यहाँ दो तिथियों के मिलन काल को संधि कहा गया है। उस समय की पूजा ही संधि पूजा है। अष्टमी तिथि का अंतिम 24 मिनट तथा नवमी तिथि का प्रथम 24 मिनट, ये 48 मिनट की संधि पूजा के समय के रूप में निर्दिष्ट है। इस समय देवी की चामुंडा रूप में पूजा की जाती है। मार्कंड पुराणोक्त सप्तसती चंडी के सातवें अध्याय में चंड मुंड वध का वर्णन है। सुमन शुंभ के दूत चंड मुंड को चंड मुंड के पर्वत देश में अधिष्ठिता देवी को ग्रहण करने हेतु अग्रसर होने पर क्रोध से देवी का मुख मंडल स्याही से रंग का हो जाता है। कुटी कुटिला तस्या ललाट फलका द्रुतम। देवी चामुंडा ही यहाँ काली के रूप में कही गई है। इस संबंध में बहुत तंत्र में इसका वचन दिया गया। इस चंडिक चंड में बलिदान का विधान है। यह महापूजा का तृतीय कर्म है। नवमी के दिन भी बलिदान का विधान है। कई लोग पशु बलि देते हैं। पशु के विकल्प के रूप में कोड़े आदि फलों की भी दी जाती है। सात्विक राजसिक और तामसिक भेद से तीन प्रकार की पूजा होती है। स्मृति भट्टाचार्य रघुनंदन ने स्मार्ट तिथि तत्व में स्कंद पुराण और भविष्य पुराण के वचनों को उद्धृत करके कहा है, सारभिया चंडिका पूजा त्रिविधा परिगीयते सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम श्रेणु। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान ने भी सत्तादि भेद से तीन प्रकार के यज्ञों की बात कही है। बलि शब्द का अर्थ है उपहार। जीव का अहंकार काम क्रोध इत्यादि स्वस्वरूप के बोध में बाधक है। इन सभी को विसर्जित कर देना ही बलि का तात्पर्य है। तंत्र शास्त्र में है, काम क्रोधो छाग बाहो बलिम दत्वा प्रपूजयेत। अर्थात काम क्रोध रूपी बकरे और भैंसे की बलि देकर पूजा करनी चाहिए। इस पूजा के क्षण में भक्तजन माँ के चरणों में अपने अपने अंतर में स्थित चंड मुंड रूपी काम क्रोधारी को विसर्जित करके उस महाशक्ति के कृपा प्राप्त होकर रहते हैं। दुर्गा सप्तशती में आया है कि महाराज सुरत और समाधि वैश्य नदी तट पर देवी की पूजा करके ददतस्तो बलिं चैव निजगात्रा सुभिक्षितम्। शरीर का रक्त रंजित बलिदान दिया। जीव के शरीर में रक्त मूल्यवान वस्तु है, उसका दान अर्थात आत्म निवेदन किया। देवी के पास संपूर्ण रूप में शरणागत होना ही बलि का तात्पर्य है। अरे महापूजा के अंतिम चरण हवन। नवमी पूजा के अंत में कार्य अनुष्ठान अनुष्ठित होता है। देवी के सम्मुख उनके नाम से अग्नि स्थापन करके श्रद्धा निवेदित की जाती है। हवन एक पूर्ण तो पृथक पूजा है। पहले प्रतिमा में घाट में जो पूजा अनुष्ठित हुई थी उसका ही इस समय अग्नि में अनुष्ठान होता है। वैदिक युग के विकल्प के रूप में यह हवन कार्य होता है। अग्नि को साक्ष्य मानकर कल्पारंभ में संकल्पित कार्य की समाप्ति की घोषणा
दक्षिणा दान के माध्यम से ही किया जाता है। अंत में दशमी के दिन विजया विसर्जन निरंजन होता है। कुजकों ने हृदय से जिस देवी की प्रतिमा में घट स्थापन करके इन कुछ दिनों तक बाहर की पूजा निवेदित की, विसर्जन या निरंजन कार्य के माध्यम से उनको अपने हृदय में वापस लाकर ये सहज होते हैं। जिस निरंजन सत्ता अर्थात मन वचन से अगोचर भावातीत सत्ता से उनकी विशेष अभिव्यक्ति हुई थी, उसमें ही फिर से विलीन होना ही इस अनुष्ठान का तात्पर्य है। विसर्जन मंत्र में भी लिखा है, गच्छ गच्छ परम स्थानम स्वस्थानम देवी चंडिके यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। गच्छ गच्छ परम स्थानम यत्र देवो महेश्वर संवत्सर व्यतीते तु पुनरागमनाय च। श्री रामकृष्ण के रसदार और सेवक मथुरानाथ विश्वास ने जान बाजार में दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। श्री रामकृष्ण देव ने वहां उपस्थित रहकर इस पूजा के आनंद को और भी बढ़ा दिया था। अंततः विजयादशमी के दिन विसर्जन का मंत्र पढ़ने के लिए पुरोहित द्वारा मथुरानाथ की अनुमति जाने पर ये विसर्जन करने के प्रति नाराज हो गए। इधर समय बीतता जा रहा है। मथुरानाथ का आदेश था जैसे पूजा चल रही है ऐसे ही चलेगी। दूसरी ओर अष्टाये विसृजे चक्रम तद अध्ययन पार्वती न्यूनाधिक्यम न कर्तव्यम रज्जो रष्ट्रक्षया लिंग प्राणिय। इस वाचन के अनुसार इस शास्त्र वाक्य के अनुसार दशमी को देवी का विसर्जन कर देना चाहिए। भक्ति और शास्त्र विधि के विशेष विरोध में श्री रामकृष्ण देव ने मथुर को जो कहा था विसर्जन का तात्पर्य समझने के लिए वो स्मरणीय है, इसलिए हम लोग उसका यहाँ उद्धृति दे रहा हूँ। मथुर ने श्री रामकृष्ण देव को जब बताया कि ये जीवित रहते माँ को विसर्जित नहीं कर सकेंगे, तब श्री रामकृष्ण देव उनसे कहते हैं, अरे यही तुम्हारा भय है, तो माँ को छोड़कर रहने को तुमसे किसने कहा? फिर विसर्जन करने से ही ये कहाँ जाएंगी? पुत्र को छोड़कर क्या माँ कभी रह सकती है? माँ ने इन 3 दिनों तक बाहर दालान में बैठकर तुम्हारी पूजा करनी की है, आज से ये तुम्हारे और भी पास में रहकर सर्वदा तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हारी पूजा ग्रहण करेंगी। मथुर बाबू भी शांत हो गए। केवल इतना ही नहीं, हम लोग भी श्री भगवान के मुंह से इस शारदीय महापूजा का तात्पर्य सहज भाषा में समझ सके। ये शारदीय महापूजा तत्व जो अभी तक प्रचलित है, इसका शास्त्र में विधान दिया गया है। जैसा कहते हैं ऋग्वेदीय युग में इसका शुरू हुआ था, वहां दक्षतना यज्ञ वेदी का नाम दक्षतना कहते थे। वहां एक हव्य वाहनी रूप मूर्ति बैठी रहती थी। कुंड के 10 दिग से देवी का 10 हाथ रूप जो अग्निशिखा निकालती थी, इसी से दुर्गा की कल्पना उसी समय की। वेद में मंत्र है, ताम अग्नि वर्णाम तपसा ज्वलंतिम वैरोचनिम कर्म फलेषु युष्टाम दुर्गाम देवीम शरणमहम प्रपद्ये सुतरक्षितर से नमः। ये दुर्गा उसी समय से प्रचलित है देखा जाए। और ये जो बाद में पौराणिक युग में इसका विस्तार हुआ और अभी तक इसका पूजा उत्सव रूप में मनाया जाता है। सर्व भारतीय तो है ही है, परंतु ये भी सर्व सार्वजनिक और विश्वजनिक हो गया। अभी विविध रूप में केवल मृण्मयी मूर्ति नहीं है, आज तो कितने प्रकार के मूर्ति कला विद्या से उत्पन्न हुए, वो भी देश विदेश में परिभ्रमण कर रहे और देश विदेश में इस पूजा के विधान चल रहा है। एक उत्सव रूप में मनाया जाता है। इसमें एक भाव है जिसमें देखा जाए एक समन्वय का रूप दिया गया है। समन्वय मूर्ति इसमें है, सभी परिवार के साथ दुर्गा मूर्ति की जो कल्पना किया गया, दुर्गा देवी पशु शक्ति और आसुरी शक्ति को दमन करके महासात्विक शक्ति के विकास इस रूप में
दिखाई देती है। और इनके साथ है गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी, सरस्वती, यह है धन, ऐश्वर्य और विद्या, ज्ञान, सिद्धि और शूरता, वीरता, इसका प्रतीक लाया गया। सपरिवार दुर्गा की आराधना भक्त लोग करते हैं, जो इस सभी के साथ हम लोग एक सत्य भूमि में आरोहण करेंगे। इस प्रकार से इसने इस पूजा की भावना लिया थी। और इसमें देखिए एक ही साथ विरोधी सभी वस्तु उपस्थित है, वृष है, सिंह है, मूषिक है, मयूर भी है, हर पेचक भी है, हंस भी है, सब विरोधी सब वस्तु का, विरोधी प्राणियों का, विरोधी सभी तत्वों का यहाँ समावेश किया गया है। यूनिटी, एकता, यही है इस विषय में, इसके प्रधान प्रतिपाद्य विषय है। और पहले तो देवी शक्ति का उद्भव जो हुआ वो भी देखा जाए। देवता लोग जब ये थे महिषासुर के अत्याचार से उत्पीड़ित होते हुए ये थे लोग ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के बस से महिषासुर इतने शक्तिशाली हो गई, जो सभी देवताओं को अपने निवास स्थल स्वर्ग से भागा दिया गया। तो तब उस लोगों के फिर निवास स्थान प्राप्त होने के लिए वो लोग जब ब्रह्मा जी के पास गया तो ब्रह्मा जी कहा मैंने तुझे कहीं नहीं, तो चलिए फिर ब्रह्मा जी उन सब देवों को लेके गया शिव जी के पास। शिव जी बोला संभव भी नहीं है, चलो विष्णु के पास जाएंगे, इसलिए सब विष्णु के पास गया। विष्णु जी सुनते हुए जब इतने अत्याचार को सुना तब धीरे धीरे देखा जाए विष्णु और शिव जी के मुंह से एक ज्योति निकाल गया और धीरे धीरे सभी देवताओं के शरीर से जो शक्ति ज्योति रूप में निकल पड़ा वो सब एकत्र होके एक नारी रूप सृष्टि हो गया। एक स्तंतरो नारी व्याप्त लोक त्रयम दुषा सप्तसती चंडी में ये कहा गया। तो उस शक्ति एकत्रित होके उन्हीं को सबको सबका आयुध अलंकार आदि भूषण आदि सब देके सज्जित कर उन्होंने प्रार्थना किया असुर को बात करने के लिए। देवता लोग जो प्रार्थना किया था इस प्रार्थना को सुनते हुए देवी उस महिषासुर को युद्ध क्षेत्र में बात किया। इससे पहले देव लोग अलग अलग शक्ति से गया था लेकिन सब परास्त हो गए, वापिस आ गया था। लेकिन इस समय सभी शक्ति जब एक साथ जुट गया अर्थात यूनिटी, इस यूनिटी से सब कुछ प्राप्त होना संभव है। इसी के आधार पर मालूम ये प्रतीक का तात्पर्य लिखा जाता। कितने साल से तो ये पूजा चल रही है, हमारे रामकृष्ण संघ में इस पूजा का प्रचलन स्वामी विवेकानंद जी ने जीवित अवस्था में किया गया और उस समय से आज तक रामकृष्ण संघ का बहु ब्रांच शाखा केंद्र में इसका पूजा अनुष्ठान भी होती है, वो पूजा अभी तक प्रचलित है। बनारस वाराणसी जो अद्वैत आश्रम, ये अद्वैत आश्रम 100 साल से ज्यादा हो गया स्थापना, ये भी स्वामी विवेकानंद जी के ये इच्छा या कल्पना या सपना जो भी बोलिए उसी के आधार पर बना है, हुआ है। तो इस स्थान पर भी इस दुर्गा पूजा अनुष्ठित होता है। सन 1912 साल से, अभी 100 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक चालू है। इस पूजा में बहुत भक्त लोग बाहर से भी आते हैं, यहाँ का भी भक्त लोग आते हैं, सभी दुर्गा देवी का पूजा दर्शन करके आनंद बोध करते हैं। तो इस बार भी हम लोग इस महीना का जो 3 तारीख से तीन अक्टूबर से शुरू करके 8 अक्टूबर विजयादशमी तक मंडप में पूजा अनुष्ठान होगी। इसलिए सभी भक्तों सभी अनुरागी जनों को हम लोग इसमें आह्वान करता हूँ, सभी आए के इसका भागीदार हो जाए, आनंद ले रहे हैं।